أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علیہ کما نحمده ولا بلا الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین میام الداوتہم ظلمہم ملائیں یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق قضی الامر الذی فیہ تستفتیان صلوات و علی محمد صلی اللہ محمد علی محمد آواز بلند ہو رہے سلام سب مل کے باب الاوائد کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات سالانہ سہر روزہ مجالس سہزا کے سلسلے کی آخری تقریر بسلسلہ یوم شہادت غیث النافع سر اللہ حجت اللہ باب الحوائد امام موسیٰ بن جعفر القاسم علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں آپ. اور میں نے کل اور آج جس گفتگو کے لیے جس صاحب حفیظ آیا کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ کلام مجید کے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت. کل جو ہے آپ تشریف فرما تھے, پس منظر ان کے ذہن میں ایک جملے میں یاد دلاؤں, زندان میں ہیں جناب یوسف اور دو زندان میں ساتھ رہنے والوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے. یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر, میرے بزرگ تشریف فرمائے مجلسی مجمع, کل گفتگو کر چکا ہوں, ساری بات نہیں دہرانی. ایک نے یہ دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ دیکھا کیا کہ اس نے خواب گڑھ لیا, حجت خدا کا امتحان لینا چاہتا جھوٹے خواب سے. یہی سے بیدار ہو جائیے مجھے زیادہ دیر تمہید میں اپنے سننے والوں کو الجھانا نہیں. ایک ایک مومن بیدار ہو جائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. ایک نے خواب دیکھا, ایک نے نہیں دیکھا. ایک سے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا, دوسرے کہا کہ تجھے جرم میں پھانسی ہوگی اور تیرے مغز کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. کہنے لگے اچھا ہم تو امتحان لے رہے تھے, دیکھ رہے تھے تم کتنا جانتے ہو, میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. تو جو یوسف نے کہا اسے اللہ نے قرآن بنا دیا اور یہ الامر الذی فیہ تستفتیان کا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, اب جو میں نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا.
ये उत्तर वो आज कभी किसी को पहुंचा नहीं। क्या किया था? झूठा खून लगा के लाए। तो बाप ने कहा ये वो कैद है, ये वो धोखा है जिसे तुमने अपने दिलों से बनाया, हम तो नहीं मानते। गए जाल लगा के ले आए, जाल लगाया, कोई भेड़िया गुजर रहा था वहां से पकड़ के ले आए, उसके दहन पे वैसे ही लहू लगाया जो कुर्ते पे लगा हुआ था। आया नबूवत के सामने, आया जाल में बंधा हुआ है। हजरत याकूब ने कहा आजाद करो, जैसे ही आजाद किया तो नबूवत ने इशारे से बुलाया। भेड़िया था मगर जानता था कि जब नबी बुलाए भेड़िया था मगर जानता था कि जब नबी बुलाए आना चाहिए। आया, कहे हो ए खल्के खुदा, तुझे हुज्जत खुदा हुक्म दे रही है, बोल। बड़ी तवज्जो रहे, तुझे हुज्जत खुदा हुक्म दे रही है, बोल। का सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर मेरा सलाम है। का बता क्यों खाया तूने मेरे यूसुफ को? अब जुमला कह के जा रहा हूं और बहुत सादगी से कह के गुजर जाऊंगा, मगर जुमला बहुत पुरकार है। अगर आप तक पहुंच गया तो जिक्र यूसुफ भी आप तक पहुंच गया और जिक्र यूसुफ आले मोहम्मद भी आप तक पहुंच गया। पलट के कहने लगा कि हुजूर अगर कोई बेईमान बन के इंसान, अगर कोई, मैं लफ्ज बदल के कहता, अगर कोई इंसान बेईमान होकर मासूम पे हमला करे तो करे, हम दरिंदे तो नहीं करते। अगर कोई इंसान बेईमान बन के मासूम पे हमला करे तो करे, हम दरिंदे तो नहीं करते। ये जुमला सुन लिया आपने? अब सुन लीजिए, अल्लामा इस्माइल समझवारी ने लिखा कि बज में मेरे और आपके साथ में इमाम इमाम है मूसा ने जाफर ताजे वाले सलाम। कहने लगा फरजंदे रसूल, वो जो भेड़िया आया था जिसने यूसुफ को नहीं खाया था और जबरदस्ती पकड़ के ले आए और उसने जुमला कहा, तो इस भेड़िए का कोई अजर भी है? खुदा की कसम कहा बेटे, इस भेड़िए का कोई अजर भी है? कह लगे सुनो, क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना? एक वाकया कल सुनाया था आपको, मोहल्ला की जबानी कल सुन लीजिए। क्या तुम्हें नहीं पता जिस वक्त अली कूफे में अमीर हुए और हमारा तली के पास आई जाहिरी खिलाफत, तो उस दौर में कूफे के बाजार में एक शोर मचा। अम्मार दौड़ते हुए आए, मौला बाजार में एक भेड़िया आ गया, और आपको पता है कि मुसलमान जो है वो बड़ी अमन पसंद कौम है, भेड़िया तो भेड़िया, ये सांप से भी डरते हैं। मेरा पहले पीछे वाले भगदड़ मच गई, मुझे बहुत तेजी से गुजरना, भगदड़ मच गई। अली चले आए बाजार में, आए दूर भेड़िया खड़ा था, लपका भेड़िया, बाजार खाली हो चुका था, लपका भेड़िया। जैसे ही रुखे अनवर पर नजर पड़ी, अपने रुखसारों को अली के तलवे से वश करना शुरू किया। भेड़िया इंसानी जबान में बोला, कौन कह रहा है? सातवें इमाम रावी हैं, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। डांट के अली ने कहा, क्यों मेरी हुकूमत में रियायत को परेशान किया है तूने, लोगों को डरा दिया, क्यों आया है यहां? पलट के कहने लगा, जे तो लिए बैत का मर्रतन उखरा, आज एक मर्तबा और दोबारा आपकी बैत को आया है। कहां रह गए मेरे सुनने वाले? कल की रिवायत जहां मजलिस खत्म हुई है वहीं से मुसलसल हो गया, दोबारा आपकी बैत को आया हूं। अली ने कहा, पहले तो ये बता तू इंसानी जबान में बोल रहा है, अंता जिन्न, क्या तू जिन है? शरीफ
नहीं नहीं जुमला तो आने वाला, मैं तो एक आप बोलेंगे तो मैं तो एक शरीफ भेड़िया हूँ। क्यों आया है? कल बैतों का मर्रत नुखरा, दूसरी बार आपकी बैत के लिए। अली ने कहा बाकी बातें बाद में पूछूंगा, ये दूसरी बार का क्या मतलब है? जानते हैं अली हम तक बात पहुंचानी है, पहली बार तूने मेरी बैत की कब की है? का सरकार जब कायनात का सबसे अनोखा मिंबर लगा था। अब अली वालों को ये भी मैं बताऊं, एक ही मिंबर है जो ना पहले कभी लगा ना उसके बाद कभी लगा। बिलाल जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए इंतजार करो, इनके पालान रख लो, कोई जाने न पाए। पालानों के मिंबर पे जैसे ही नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, अब मैं मिंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्राइल जमीन के नशेब को फराज करो, फराज को नशेब करो, पहाड़ों और जमीनों को बराबर करो, मिंबर लगाओ, तमाम वहशी जानवरों और दरिंदों को बुलाओ, और अल्लाह की हर मखलूक से आज गदीर वाली बैत ले लो। बड़ी तवज्जो, एक एक मोमिन अपनी नजर मुझ पर सीखे रखे, गदीर वाली बायत कर लो का सरकार पहली वहां की है, वो थी गायबाना बायत। आज आपकी जियारत भी करने आया हूं और कदमों पर बायत करने भी आया हूं। क्या लगे तूने क्या कहा? मन अंता जिन है इंसान है कौन है तू? क्या लगे ला जिन्नी उन वाला इंसी उन, ना मैं जिन हूं ना इंसान हूं भला ना सैब उन शरीफ, मैं तो एक शरीफ भेड़िया हूं। अब अली का जुमला आपके हवाले, जो समझा वो समझा, मैं तशरीह नहीं करूंगा। पलट के कहले को कैफा तक उन शरीफ और कलम का जैब, तू शरीफ कैसे है? तू तो भेड़िया है। जुमला आ रहे अली वाला जुमला जाए ना करना, तू शरीफ कैसे है? कहीं दरिंदे भी शरीफ होते हैं? एक मरतबा भेड़िया ने कदम चूम के कहा बेबी लायक है भाई आलमगीर मौला की अजमत जितनी ज्यादा उतनी बुलंद सलावात पढ़े मौला की। तू कैसे शरीफ है? तू तो भेड़िया है, और दरिंदे और भेड़िए भी कहीं शरीफ होते हैं। क्या कह रहा है? विलायत है कहीं अमीरुल मोमिनीन, आपकी विलायत ने मुझे शरीफ बना दिया है। अब क्या ज्यादा से ज्यादा ये कि आप नाराज हो जाएं तो मुझे माफ फरमाइएगा। पता चला अगर दरिंदे भी उनकी विलायत को माने तो शरीफ हो जाते हैं, और बंदे न माने तो सजरे खमीस। लोग मौला की बज़्म में बैठे हैं, इमाम हफ्तों की, मौला काजम की, बाबुल हवाइज की बज़्म में हैरान हो रहे हैं। मौला ने चेहरों को देखा, चेहरों के आसार देखे, का बात को सुन लो, तुमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो अब आ रहा है। अली ने पूछा अच्छा, और कहने लगा मौला मैं आपकी विलायत की वजह से शरीफ हूँ, इज्जतदार हूँ, और मैं कोई आम भेड़िया नहीं। जुमला आ रहा, मैं कोई आम भेड़िया नहीं हूँ। अच्छा कौन सा भेड़िया है? जानते हैं अली बात हम तक पहुंचानी है। सरकार वो जिसे याकूब के बेटे पकड़ के लाए थे ना, अल्लामा इस्माइल ने समझवारी लिख रहा है, याकूब के बेटे जिस भेड़िया को पकड़ के लाए थे, मैं उस भेड़िया की नस्ल में से हूं। अच्छा लोगों का तजस्सुस बड़ा, आपका भी बड़ा हुआ है मैं जानता हूं, तजस्सुस बड़ा। का अच्छा उस नस्ल में से? कहने लगा और मैंने अपने दादा से सुना है, और उन्होंने अपने दादा से सुना है, और उन्होंने अपने दादा से सुना है, और उन्होंने अपने दादा से सुना है। अब जाहिर है जनाब अमीर का जमाना, और कहां यूसुफ और याकूब का जमाना, और उन्होंने अपने दादा से सुना, और उन्होंने अपने दादा से सुना है, गौर ही नहीं फरमाया। और मैं तो चोली में जुमला कह गया, अगर अली की विलायत से मुतमस्सिक रहे भेड़ियों की भी शरीर मालूम होते। क्या कह रहा हूं मैं? Yeah.
बड़ी तवज्जो रखिए। मैंने अपने दादा से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने अपने दादा से सुना। और हमारी नस्ल कोई आम नस्ल नहीं है, हमारे अजदाद नूह की कश्ती में भी मौजूद थे और अल्लाह ने वही की थी अपने नबी पे। तवज्जो का अच्छा कमाला। फिर क्या हुआ कि जैसे ही अब वहीं से मुसलसल हो गया जहां से बात आगे बढ़ी थी, हजरत याकूब के बेटे पकड़ के लाए, कहने लगे बाबा ये वो भेड़िया है जिसने यूसुफ को खाया है। पलटी नबूवत का, क्यों खाया मेरे यूसुफ को? अब जुमला कल सुना चुका हूं, कितना अजीब भेड़िया था, यूसुफ की हड्डी भी नहीं छोड़ी और घुटने पे जो थे कल मुझे पे याद आ गया ना, खराश भी नहीं आई। कहने लगा सरकार हम पे तो मासूमीन और उनकी औलाद का, नबी और उनकी आल का दोष हराम है, हम तो खा ही नहीं सकते। वो बात तो हो गई खत्म। अब इमाम काजिम बता रहे, पलट के हजरत याकूब ने पूछा तो फिर तू आ कहां से रहा है? कहने लगा सरकार मैं तो मुसाफिर भेड़िया हूँ, ये आपके बेटों ने जाल लगाया पकड़ के ले आए। कहने लगा अच्छा तवज्जो, मैं नहीं जानता कहां से आ रहा है। कमिनल मिस्र, मिस्र से आ रहा हूं। कैला है ना, कहां जा रहा है? का खुरासान जा रहा है। अब आपकी मर्जी के बेकार जाए कर लीजिए, मुझे तो आपकी नजर करना। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? अच्छा मैं नहीं बलदिन अंता, कौन से शहर से? का सरकार मैं तो मुसाफिर भेड़िया हूं, यहां से हुई नहीं, किनान से ताल्लुक है मेरा, मिस्र से चला हूं, यूनान जा रहा हूं, वहां खुरासान जा रहा हूं। का वजह इतने लंबे सफर की? कहने लगा वहां मेरा दीनी भाई भेड़िया रहता है। साहब वहां मेरा एक दीनी भाई मोमिन भाई भेड़िया रहता है। पता चला अगर विलायत वाले हो तो भेड़ियों में भी भाई हो। मेरे साथ रहिएगा, वहां मेरा एक दीनी भाई भेड़िया रहता है, उसकी ज्यारत को जा रहा हूं। और मैं कोई आम भेड़िया नहीं हूं सरकार, मैं नूह की कश्ती में भी था और अल्लाह ने नूह पे वही की थी कि जो कोई, अब ये जुमला आपकी नजर, जो कोई अपने मोमिन भाई की ज्यारत को जाए और रियाकारी का मकसद ना हो, खुलूस नियत से जाए। अल्लाह हर कदम पे 10 दर्जे बुलंदर था। क्या कह रहा हूं मैं, अल्लाह हर कदम पर, आप बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, 10 दर्जे, 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। हैरत से इमाम की बजट में लोगों ने कहा मौला मिस्र से चला है, खुरासान जा रहा है, आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में मैप पे जाके देख लीजिएगा कितना फासला है, मिस्र से चला है, खुरासान जा रहा है, इतना सारा आयोजन, इतने सारी गुनाहों की माफी, इतने दर्जात की बुलंदी, भेड़ियों के किस काम आएगी? वो तो जानवर है, ये नेकियां उसके किस काम आएंगी? पलट के याकूब से भेड़िये ने कहा मैं वालों के हवाले कर रहा हूं, पलट के कहने लगे सरकार इतनी मशक्कत इतनी मेहनत अपने लिए थोड़ी करो, ये सारा जमा जमा करके अली की शियों की नजर करना। मुझे पता है इससे भी शानदार सलावत पढ़ेंगे आप बाबुल हवाई की। मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, कजा का वार भी अचानक टल गया होगा, कुएं से बच निकलना महाल था यूसुफ, अली का नाम जबान से अचानक निकल गया होगा। नारे हैदरी। तो जो है परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बात से, मौला आपके लोग में मोहब्बत को सलामत रखे, इस पैर के बेदानी से समाज फरमा रहे हैं आप। तो जो की जाएगा अपने दीनी भाई की जियारत को जा रहा है। सुनिए रिवायत सुनिए, अगर मुझसे ना कहा गया होता तो मैं ना पढ़ता। मौला का बड़े मशहूर आलम साहबी अली बिन यक्तीन, सुना हुआ है ना नाम आपने? अभी अर्ज करके आ रहा हूं अंबरगह दरबार हुसैनी में, साहबी एक और है मौला का मुफलिस शिया है, नादार शिया है, मलंग है, इब्राहिम जम्माल। तवज्जो कीजिएगा, मोमिन का मोमिन भाई की जियारत को जाना कैसा है? सातवें इमाम बता रहे हैं इब्राहिम जम्माल, तवज्जो है ना?
आप बोलते रहते हो, मैं बोलता हूँ। इब्राहिम जब माल चला अली बिन यकीन, चूंकि आप जो मौजे सुनते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता है कि हुकूमती मनसब भी अली बिन यकीन के पास था, वजीर था, और उसमें मौला की हिकमत मौजूद है। दरवाजे पर आया तो जाहिर है बड़ा आदमी था, साहिब सरवत आदमी था, कुर्सी और इख्तदार मौजूद था। तो किसी वजह से इसने कहा कि वो मैं नहीं मिलना चाहता। इब्राहिम जमाल ने कहा कि भाई वो मोमिन भाई है मेरा, वो भी मौला का चाहने वाला, मैं भी मौला का चाहने वाला हूँ। कहने लगा भाई वो कह रहा है नहीं मिलना चाहता। ये कूफे चला गया, वो हज की गरज से हिजाज आया तो मदीने पहुंचा। अब ज़ाहिर है मौला का चाहने वाला तो ज़ियारत को भी आया। जैसे ही ज़ियारत को आया और हाजिब से कहा कि जाओ मौला से कहो अली बिन यकीन आए और इज़्ज़त चाहता है ज़ियारत का, मौला ने कहा उससे कहो वापस चला जाए। खुदा के लिए ये कभी कभी ये वादे भी सुना कीजिए, आखिर तक हम इधर हैं, हाथ उठा देंगे तो पता चल जाएगा मेरे सामने बाहर वाले सब मेरे साथ हो जाएंगे, भाई मदारी मोहनी ये मेरे राजा मान दो। क्या कहा वापस चला जा, फिर आया, फिर इजाजत ली, फिर आया, फिर इजाजत ली, हर बार इनकार हुआ, हर बार इनकार हुआ। उसने हाजिब से कहा जाके मौला से पूछो मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई। अंदर से पैगाम आया जब तक इब्राहिम जमाल तुझे माफ ना करेगा, तवज्जो तवज्जो, जब तक क्या करीबी है मूसा बिन जाफर की, जब तक इब्राहिम जमाल तुझे माफ नहीं करेगा हम तुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ नहीं देंगे। का मौला से जाके कहो वो तो कूफे चला गया है, मैं मदीने में हूँ। मौला ने कहा अच्छा अगर यही बहाना है तेरे पास तो आज रात को बकिया चले जाना, अकेले जाना, वहां एक सवारी तैयार खड़ी हुई होगी, सजी सजाई सवारी पे बैठना, वो सवारी तुझे पलक झपकने से पहले कूफा ले जाएगा। खुदा करे कि हर चेहरा मिलाया तो मुसलमान का ढाबा से खिल जाए। क्या कहा वो सवारी तुझे, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कूफा ले जाएगी। अच्छा अगर फरजंदे रसूल ने कहा है, रात को चला बकिया में पहुंचा, एक एक मातमदार बेदार हो जाए, मैं मातमियों की नजर कर रहा हूँ, अपने मातमी साथियों को किसी मातमी का हाथ नीचे रह गया तो मुझे अफसोस कर जाएगा। चला दरवाजे पर आया, अब जाहिर है वो भी ये सोच ही नहीं सकता, इम्कान ही नहीं है कि कोई बंदा मदीने से कूफे आ जाएगा। दकुल बात किया, नाका बांधा, का इब्राहिम जमाल से कहा अली बिन यकीन आए। अंदर से आवाज आई करे ऐसा कहां से हो सकता है, जाओ कोई ढोंग कर रहा है, अली बिन यकीन मदीने से कूफे आ जाएगा। आवाज दी इब्राहिम जमाल मैं हूं दरवाजे पर, का उस दिन मैं आया था तो पलटा दिया था, किसी की माफी मांगने आया मेरे मौला ने कहा जब तक मैं तुझे ज्यादा से शर्म न दूंगा, जब तक तू इब्राहिम से माफी ना मांगेगा। अब जुमला आ गया अगर ये जाया हो गया तो दो दिन की तकरीर शायद जाया हो जाए। कहा अच्छा मैंने तुझे माफ किया, कहा ऐसे नहीं, अपना पैर उठा और गर्द आलूद रुखसार मेरे में गर्द आलूद पाओ मेरे रुखसार से रख। उसने कहा भाई तू मेरा मोमिन भाई है, तवज्जो सलावात भेजिए मोहब्बत जल्दी जल्दी जल्दी, मेरी तरफ तवज्जो करते रहिए। इस सलावात पे तो नहीं सुनाता हूं, बड़ी तवज्जो रहा, एक एक मोमिन अपनी नजरें मुझ पर सीखे रखे। आए क्या लगा अपना रुखसारा गर्द आलूद पाओ कदम मेरे रुखसार पे रख, लगा तू मोमिन है मैं तेरी इज्जत करता हूं, तू मेरा भाई है, मैं रुखसार पे कैसे कदम रखूं, और इससे होगा क्या, मैं जो कह रहा हूं मैंने तुझे माफ कर दिया। कहा मैं मौला की बारगाह में माफी की सनद लेके जाना चाहता हूं, मैं मौला की बारगाह में माफी की, मोमिन का दिल दुखाया था, मौला की बारगाह में माफी की सनद क्या है, उसका कदम इसका रुखसार, उसका कदम इसका रुखसार। जब निशाने कदम लेके गया तो मौला ने कहा हमने तुझे माफ कर दिया। आए अदादारों की मातमियों की तौहीन करने वाले, मैं मिंबर से कह रहा हूं मेहदी के आने के बाद मातमदार का कदम होगा तुम्हारा रुखसार। अभी भी बड़ा वक्त है,
अपनी इबादत के घमंड में हुसैन के अदादार की तौहीन नहीं करना। बड़े 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 जाहिद गुजरे, बड़े बड़े जाहिद, इसी मेंबर से दुआ एतकाद सुना चुका हूँ पिछले साल आपको, बड़े बड़े जाहिद गुजरे। हसन बिन अब्दुल्ला नामी शख्स है, बड़े बड़े बादशाहों को मुंह नहीं लगाता, इमाम का दौर है, मस्जिद में बैठा है, जिसे चाहे डांट दिया, जिसे चाहे डपट दिया, बादशाह भी सुन लेते हैं, उमरा भी सुन लेते हैं, बुजरा भी सुन लेते हैं, साहब अल्लाह वाला है, अल्लाह का नेक बंदा है, डांट रहा है सुन लो। ऐसे में मेरे सातवें इमाम की मस्जिद में आमद हुई, आए मौला, देखा बड़ा आबिद बड़ा जाहिद, किसी को खातिर में नहीं लाता अपने इबादत के घमंड करने में। मौला ने कहा मैं तेरी इबादत में बड़ा खुश हूँ, बड़ा आबिद है, बड़ा जाहिद है तू, अब जुमला अब क्या वाले, अब फिक्र की दलील में जुमला दे रहा हूँ। कहने लगे तुझ में एक चीज की कमी है, वो जो अपने आप को आबिद कामिल समझता था, आबिद और जाहिद समझता था, किसी को इस काबिल नहीं समझता था अपनी इबादत के बल पे कि उससे गुफ्तगू करे, मौला उससे कह रहे हैं तुझ में कमी है। उससे कहा बंदे रसूल आपका मर्तबा अपनी जगह, मगर मुझ में कमी है। पलट के कहने लगे हाँ, किस चीज की कमी? तुझ में मारिफत की कमी है। अभी तुझमें मारिफत की कमी है, जा मारिफत हासिल करके आ। अब मुझे सारी रिवायत नहीं दोहरानी है आपके सामने, कहा जा मदीने में फुकाए अरबा का जमाना है, जा उनसे पूछ ले, हदीसे लिख लिख के लाता है मौला, खत नस खींच देते हैं। एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैं जो दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, तो जो कह रहा है मारिफत इसी से ना मिली, राह में मिला, बड़ी जल्दी है मुझे राह में मिला। मौला जा रहे हैं अपने बाग, उरैर नामी बाग था जो इमाम सादिक ने लगाया था, और बाग की तरफ जा रहे हैं। कहा फरजंदे रसूल मुझे मारिफत कराइए। कहा गया तो है तू इतने दरवाजों पर। कहा अच्छा फिर अगर आप ना कराएंगे तो मैं कयामत में अल्लाह से शिकवा करूंगा कि मैंने हुज्जत से मारिफत मांगी थी, बस यही अकीदा होना चाहिए। कहा अच्छा अगर तेरी मारिफत यहां तक आ गई है तो बैठ जा। अब मुझे नहीं पता कि मारिफत में क्या कुछ बताना चाहिए, मैं तो बेमारिफत इंसान हूं, लेकिन मौला ने एक जुमले में मारिफत बता दी। पलट के कहने लगे सुन, मारिफत का पहला जीना ही यही है कि बाबे रसूल अली को हटाकर जो मिंबर पर बैठा वो हासिल है। वो मौला से मारिफत मांग रहा है, मुझे नहीं पता आपके जहन में मारिफत की तारीफ क्या है। हो सकता है आपके जहन में कुछ और हो, फखर शाह साहब के जहन में कुछ और हो, अजीम साहब के जहन में कुछ और हो, उमरान भाई के जहन में कुछ और हो, आपके जहन में अल्लामा हसन जैदी साहब तशरीफ फरमाए, खतीब अहले बैत जाकिर भाई, इनके जहन में मारिफत कुछ और हो, और मेरे जहन में मारिफत कुछ और हो। एक जुमले में सारी मारिफत को समेट दिया मौला ने। मुझे नहीं पता, मैं तो बुजुर्गों से माजरत करके नौजवान दोस्तों के लिए समझा ही देता हूँ, अली बाद रसूल सबसे अफजल है, जो अली की जगह बैठे उसने अली का हक हासिल किया, वो गासिब है। मौला ने कहा भाई यही मारिफत है, आसान से जुमले में बता दूं, अली से तवल्ला दुश्मन को खबर रहा, यही मारिफत, यही मारिफत है, यही मारिफत। अली से तवल्ला दुश्मन अली पर तवल्ला, कल पढ़ चुका हूं, दोहराना पड़ेगा, मौला तो झूले में भी कर रहे हैं। कहा उसके बाद ये ईमान रखे कि अली के बाद हसन इमाम, हसन के बाद हुसैन इमाम, हुसैन के बाद अली जैनुल आबिदीन इमाम, उनके बाद मोहम्मद बाकर इमाम, उनके बाद जाफर सादिक इमाम, सलावत पढ़ी जा रही इमाम की जात पर। ये सारे इमाम हैं, मगर छठे इमाम पर आकर हो गए खामोश, अपनी इमामत पे खामोश। देखिए तरीका यही है, मौला हर सवाल का जवाब बताते हैं सिवाय अपने सवाल के। आज जो विलायत अली मशक कर रहे हैं फजीलत अली में, आएंगे अली कब्र में, आएंगे आएंगे आएंगे, और जैसे ही नकीरैन पूछेंगे मर रब्बो का, कौन है तुम्हारा रब, कहेंगे आहिस्ता
अभी आया बताएगा अल्लाह जल्ल जलालहु आपके गुर्ज नकीरैन के हाथ में होंगे, फिर पूछेंगे मन रसूलों का तेरा नबी कौन है, मन नबीयों का तेरा नबी कौन है। तुमसे कहा है नरमी तो बरतो, आया है घर वालों से छुटके अभी बताएगा मौसफा मेरे रसूल मेरे नबी। हर सवाल का जवाब अली देंगे सिवाय एक सवाल, मन इमाम होगा। हाँ, ये पैगाम अगर पहुंच गया तो नौजवान दोस्तों जहां याद आए मुझे दुआ जरूर दे देना। खामोश क्यों होंगे इम्तिहानन के जिसकी मदद करता रहा हूं मुझे पहचानता तो हो। हजरत भी अपने सवाल पर आकर रुक गए, छठे इमाम अपने बाबा तक का जिक्र किया मगर यह नहीं बताया इम्तिहान जो लेना था। आगे बढ़ के मारिफत लेने आया है ना, तो मारिफत ही तो करा दी है अल्लाह का फर्ज़ंदे रसूल। फिर किस वक्त फ्यूचर को आना मुस्कुरा के कहने लगे बताऊं तो मान लेगा, तो फर्ज़ंदे रसूल बताइए कमाई हुआ कौन है कमाला। यकीन तो आ गया मगर कुरान का फैसला यह है कि देखने से यकीन में इजाफा हो जाता है, तो कोई दलील देंगे या सामने दो तरफ नजर आ रहे हैं। फ्यूचर के खुदा का इख्तियार ये है कि अगर वो उन्हें इशारा करे तो यही चल के आ जाए, अभी आ जाए कि बात कर खत्म नहीं हुई थी तरफों ने चलना शुरू किया। वाला ने आवाज देखे ना हमने तुझे बुलाया नहीं है, क्या कहने। और फरमाया आपने मारिफत कहां मिली, आबिद तो था आबिद तो था वो, मारिफत कहां मिली जब निगाह मारिफत से मौला का चेहरा देखा। चेहरा तो यूसुफ का भी लोगों ने देखा, मैं वही आ गया जहां से तकलीफ मोल। चेहरा तो जनाब यूसुफ का भी देखा था, थी अजीज मिस्र की जौजा मगर सूरह यूसुफ आप जानते हैं मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मैं मिंबर पे हूँ आप फर्श अज़ा पर, मेरी माँ बहनों तक मेरी आवाज जा रही है। चेहरा तो देखा था यूसुफ और ऐसे देखा कि कब उंगलियां कटी पता ही नहीं चली। बड़ा हसीन था यूसुफ का चेहरा, तवज्जो, बड़ा हसीन, सच्ची नहीं झूठी, कभी नहीं ज़ईफ, शिया नहीं आलम इस्लाम की। किसी रिवायत में मैंने नहीं देखा कि यूसुफ का चेहरा भी देखना इबादत हो। तकरीर अपने मंजिलों से गरीब होती जा रही है और ये वाले मोहल्ले वाले साथ नहीं है, ताजो कीजिएगा। यूसुफ का किसी ने देखा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं साल बाद ले आना कोई एक रिवायत, यूसुफ का चेहरा देखना इबादत हो। आए मेरे मालिक, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, चर्चे हुस्न यूसुफ के और चेहरा देखना चाहे मेरी इबादत, क्या बताना है कोई याकूब के बेटे का चेहरा है, ये तो मेरा चेहरा है। है ना,
दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली से अब मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अकबर को अपने रहवार से नीचे आने दो। चर्चे हुस्न यूसुफ के, चेहरा देखना मुझसे काजिम का ही मालूम याकूब के बेटे का चेहरा और होता है, मधुला और होता है। अच्छा जल्दी से दोनों का असर बताऊं। चेहरा देखा, अजीज मिस्र की जौजा है जुलेखा, दिल में बदगुमानी आई, इससे ज्यादा एहतियात से मेंबर से नहीं गुजर सकता मैं, दिल में बदगुमानी आई, यूसुफ पे तोहमत का इरादा हुआ, तोहमत लगी तो जिंदान में आए, चेहरा देखा नबी का था मासूम का था, ईमान डगमगा गया, शुरफा के घर की बीबी थी, जिंदान में जो आई थी वो शरीफ घर की नहीं थी, जनेब कोहबा को भेजा गया किरदार मुसन्ना जाफर पे अंकुश नुमाई के लिए, जब कुछ दिन बाद जिंदान खुला तो देखा सजदे में आए, अब जो लोग मैंने देखे मैं उसका जिम्मेदार हूँ, देखा तो सजदे में आए, कब तू सजदे में क्यों आए, तुझे तो किसी और मकसद के लिए भेजा था, तो मैंने इनका चेहरा देखा मुझसे ऐसा हो पारी हुआ, मेरा सब होगा कुछ सजदे में गया, आवाज निकली का करम है, हम जैसे खादिमों पर कि जो मेंबर पे बैठता है उसे शक की शिकन बड़ी जल्दी नजर आती है, मेरे सामने तो सारे अली वालों को खींचते हुए रोशन और फंदा पेशानी वाले चेहरे और अली है ही चमकती हुई पेशानी वालों का इमाम लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज भी बहुत दूर तक जा रही है, तो जुमला मुझ पर कहना वाजिब हो गया। साहब यूसुफ नबी का चेहरा, आपने फरजंदे रसूल की अजमत अपनी जगह नबी का चेहरा, जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए, अल्लामा हाशिम बहरानी ने इस रवायत को लिखा, इसी इमाम की बाजू इमाम ने अपने अल्दाद से रिवायत की, जन्नत में एक बाजार है, अब बाजारों में कुछ ना कुछ बिकता है कि नहीं बिकता, आप भी जाते हैं ना बाजारों में, कुछ ना कुछ लेने जरूर जाते हैं जिंदगी, साहिल ने जल्दी से पूछा मौला फिर बिकता क्या है, वहां चेहरे और सूरतें बिकती हैं, घबरा गए ना आप, अल्लामा हाशिम बहरानी कह रहे हैं चेहरे और सूरतें और चेहरे बिकते हैं, कहा अच्छा मौला फिर वो जनाब यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे हैं, अल्लाह जाने आप थक गए हैं या कोई और बात है, जो हवाले देखना चाहे मेरे पास आ जाए, मैं किसी दूसरे बर्रे आजम से नहीं आया, मैं आप ही के मामले में रहता हूँ, बता देना चाहे अल्लाह हाशिम बहरानी ने रिवायत लिखा क्या कह रहे हैं, जन्नत में बाजार है, युवा भी है सुवर सूरत व्यक्ति के चेहरे व्यक्ति तो फरजंद रसूल जनाब यूसुफ नबी अल्लाह अलैहि सलाम, हमने उनके हुस्न के बड़े किस्से सुने, आहिस्ता से पूछा डरते डरते मौला क्या ये मुमकिन है कि जहाँ वहाँ चेहरे बिके हैं मुझ जैसा कोई कम शकल होगा, पहला का मौला वहाँ जो अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बिके तो हम भी कोई अच्छा सा खूबसूरत सा चेहरा खरीदने कहाँ खरीद सकते हो, नौजवान दोस्त मुझे बड़े तजस्सुस से देख रहा भाई कीमत भी तो बता दीजिए, जुमला कहूँ मुझे यकीन है कि इनकोनी के जिम्मेदार अदादार मातमदार में मेरा जुमला जाय नहीं होगा, उसने कहा मौला तो फिर हर हर सूरत हर चेहरा वो हुस्न के जो चमचे हैं क्या हमें वो हुस्न मिल सकता है, क्या बिल्कुल मिल सकता है, जल्दी से मुझे मालूम कीमत का हम पे एक बार जरूर पड़ो यहाँ पे कब बैठा था, कब
बैठा था मैं। बहुत फरमा रहे यूसुफ का चेहरा देखा तो हिम्मत लगी, कैद में आए। यहां तक इसी एक जुमले के लिए लाया हूं मैं आपको। वो जने कोहबा है, जिंदान में भेजा गया। भेजा किस मकसद के लिए गया? जब दर खुला बुलाया गया, कहा ऐसा क्या देखा तूने? तवज्जो, कहा ऐसा क्या देखा? कहा मैंने जब मुतवज्जे करने की कोशिश की तो पलट के मुझसे कहने लगे कि तेरा क्या मकसद है आने का, मगर निगाह मेरी तरफ नहीं थी। क्या मकसद है आने का? कहा आपके लिए भेजा गया। कहा अगर तू आई है तो फिर ये क्या करे? अब जो मैंने पलट के देखा, जन्नत का सब भाग था, हूरे बकरा जल रही है, हिलमान हाथों में पूरे लिए हुए थे। इसका मतलब है कि मूसे काजिम के चेहरे के हुस्न का करिश्मा ये है, मौजजा ये है, करामत ये है कि गुनाह को सवाब में बदल देता। मैंने जो दो दिन कहना था कह दिया। लाख हसीन होंगे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर यूसुफ का चेहरा देखने के बाद मेरे गुनाह सवाब में बदल जाए? मैंने परिवार को मैंने देखा। अब आप मुझे हैरत से देख रहे हैं साहब, वो तो उसी के लिए था जो जिंदान में गई थी। मैं अब भी कह रहा हूँ 1400 साल हो गए और कयामत तक का फार्मूला मेरे मौला दिए गए। अगर आप थक ना रहे हो तो मैं आपके हवाले कर दूँ। एक ऐसी सलवार पढ़े ना सर मिलके तो पता चले कि नाजमैन तक मौला की बात क्या। तो दो तीन जुमले मुझे आपको सुनाने और तकरीर तमाम हो गई। तवज्जो, एक एक मोमेंट मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। अबुल मगरा रावी है, साहिब इख्तिसास ने लिखा, अबुल मगरा बैठा हुआ है और कहता है मैंने अभी फरजंदे रसूल से कुछ नहीं कहा था। तकरीर खत्म हो रही है। मैंने अभी फरजंदे रसूल से कुछ नहीं कहा था। मौला ने मेरी तरफ देखा और देख के कहा या अबुल मगरा, ए अबुल मगरा, जो ये चाहता हो कि वो हमारी जियारत करे। मैं फिर याद दिलाऊं मूसा बिन जाफर का चेहरा देखने से गुनाह धुल जाते हैं। जो चाहे हमारी ज़ियारत करे, और ये भी चाहे कि अल्लाह के नज़दीक, शायब अल इख्तिसास उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नज़दीक अपना मकाम भी देखे और उसके गुनाह भी माफ हो जाएं और उसकी हाजतें भी पूरी हो जाएं। सले यग्तसिल सलासा लियाली, तीन रातों तक गुस्ल करे मुसलसल, हमसे सरगोशियां करता हो। बड़ी तवज्जो है, बड़ी तवज्जो है। जो ये चाहता हो हमारी ज़ियारत करे, हमारी ज़ियारत के जरिए उसके गुनाह धुल जाएं, अल्लाह के नजदीक अपना मकाम भी देखे कि उसका क्या मर्तबा है और उसकी हाजत भी पूरी हो जाए, तीन रातों तक गुस्ल करे, हमारी ज़ियारत करे। अब उसने सवाल किया, मौला एक शख्स ये दावा करता है कि उसने आपकी ज़ियारत किया और वो मैनोशी भी करता है। जलाल आया, काबुल मगरा ये गुनाह उसका दीन जाया नहीं करता, वो गुनाहगार जरूर है मगर अल्लाह ने ईमान का तमगा नहीं छीना। तो मौला पर दीन कैसे जाया होता है? कि हमें छोड़ देगा तो जाया हो जाए। जो लोग खड़े हुए मेरे ध्यान तो नहीं हो रहे, मौला आपको सलामत रखे। बाबुल हवाइल, आखिरी जुमले फजाइल के आपके हवाले कर रहा हूं कि हमें छोड़ देगा तो नींद जाया हो जाएगा। मौला ये हमें छोड़ देने से क्या मतलब है? कि जाहिर में हमारी तायीद करे, बातिन में हमारा इनकार करे, फजाइल सुन के फर्ज अज़ा पे चला जाए और बाहर जाके कहे ये नहीं हो सकता। जाहिर में हमारी तायीद करे, बातिन में हमारा इनकार करे। तशरीह का नवक्त ना करनी है, हम रसूल के बेटे हैं, हम परवरदिगार के अहबाब हैं। मुझे नहीं पता मेरे अहबाब ने जुमला दायर कर दिया है। हम परवरदिगार के अहबाब हैं। मुझे एक ही जुमला सुनाना है आपको, हम अल्लाह के रसूल के बेटे, हम परवरदिगार के अहबाब हैं।
जिनसे वो मोहब्बत करता है, बिना नतकल उलमा। कायनात में जहां इल्म है हमारे सत्ते में, जो उलमा बोलते हैं हमारे नाम लेके बोलते हैं, हमारी बताई हुई चीजों से, हमारे दिए हुए इल्म से बोलते हैं, हम ही इल्म के बुलंद मीनार हैं, हमारी वजह से जमीन और आसमान कायम है। बिन अब्दल अय्यूब, अल्लाह ने अय्यूब की परेशानियों को खत्म किया हमारे सत्ते में, आदम की दौड़ा कबूल हुई हमारे सत्ते में, याकूब को बिनाई मिली वापस हमारे सत्ते में, अब्दुल्ला आरा यूसुफ कैद से आजाद हुआ हमारे सत्ते में, यूसुफ की इस्मत की हिफाजत हुई हमारे सत्ते में। अभी तो रुबाई सुनी है आपने, वो कैद में रहकर आजाद हुआ ही इसलिए, पढ़ते जाते थे जनाब या यूसुफ, या सैयदी, या मौलाई, या वो सबला जाफर, अपने हमारी वजह से आ गया। अच्छा, अगर ये जुमला ना पढ़ूं तो फिर रात तक भी खत्म हो गई, मैं मसाइब तक आ गया। ये एक जुमला सुन लीजिए, मौला हमारी इबादतें, मारिफत भी आपने बता दी, इबादत का जरिया भी बता दिया, कबूल विलायत शर्त इबादत भी बता दी मौला, मगर मैं तो अपने आमाल से, ये तो सारे बामल लोग हैं मुझ जैसा गुनाहगार तो डरा हुआ है। कहने लगे घबराओ नहीं, हम करीम है। मन अहब्बना वो तबर्रा में नोदू वो ना काना माना, इतनी सी बात याद रखो, जो हमसे मोहब्बत करे और हमारे मुनकर पर लानत करे वो वही होगा जहां हम होंगे। अब ये आप फैसला कर लीजिए कि मौला कहां होंगे, पर ये तय है जो तबर्रा और तबर्रा की मारिफत करता हूं वही होगा जहां पर होंगे। का जिस जिसकी मुश्किल कुशाई हुई हमारे सत्ते में, जिसकी तौबा कबूल हुई हमारे सत्ते में, हमारे नाम ले लिए हम भी मुश्किल से निकले। मेरा नाम लिया था तो यूसुफ की कैद खत्म हुई, मेरा नाम लिया था तो जब तोहमत लगाई जा रही थी तो हमने यूसुफ को महफूज किया, यूसुफ के दामन को पाक रखा। यूसुफ को जिंदान से छुड़ाने वाले, सारी उम्र ही जिंदानों में कटने, शहादत है मूसा बिन जाफर, कितनी तादाद में मौजूद है आप, खड़े हुए लदार, बैठे हुए लदार, बाहर वाले जहानों में जहां तक आवाज जा रही है हर सदा कह रही है हाय मुसीबत आई। आप तो यहाँ कह रहे हैं ना, आज के दिन ताजमहल में बहुत बड़ा जुलूस पड़ा, जब मैं गफीर है अदादारों जो हाथ उठा उठा के कहता है मुसब न जाफर आज हम आए हैं आपके पद। कल भी ये जुमला कहा था, शायद वो बीवी जो उम्र से चल के बाबा का पुरसा लेने आई है वो हसरत से अदादारों को देख के कहती होगी काश तुम उस जमाने में होते हैं जब चार मजदूरों में काम हो जाना हुआ है। पुरसे की रात है, मातम की रात है, अभी जुलूस बरामद होगा, ताबूत बरामद होगा, हल्का ये मातम लगेगा, आप इमाम हजरत की बारगाह में पुरसा भेज करेंगे, मेरी माओ बहनों में कहीं फातिमा मासूमा ये कौम आई हुई है, 18 बेटियां हैं मूसा बिन जाफर की, बेटियां मुंतजर हैं कब बाबा वापस आ जाए, मगर इन्हीं बेटियों में एक बेटी का नाम फातिमा सुगरा भी है। मैं कहूं है बीबी सुबरा बाप गया है अकेला तो गया है ना, भाइयों को तो नहीं लेके गया, लेकिन वो फातिमा सुबरा ऐसी भी है जिसका हक बाप को उस वक्त पहुंचा कि जब अकबर के कलेजे से बच्ची निकाल चुका, कोई हाथ ऐसा ना मिले उसी ने मेरा पड़ा, आज मोहम्मद को एक चीख मार के आकर होना बहुत आपके छठे इमाम सत्ते में सर रख के बड़ी दुआएं देते थे, उन चीखों पर रहमतें नाज़िल फरमा,
आज उसी इमाम सादिक के मुंह का गुस्सा है। यह आपका बुलंद आवाज से रोना एक उजड़ी हुई मां की तमन्ना जिसने पूछा था बाबा मेरे बच्चों के रोज बच्चों दीदी या आपके मूसा का आज के हजारा हर जिंदान बड़ा सख्त और संगीन था दादा, लेकिन जाते जिंदान क्यों बदलता था? जिसकी निगाह मौला के चेहरे पे पड़ती थी आखिर वो जुल्म करते करते थक जाता था। उसने दिल में कहीं रसूल का हया रहम आ जाता तो जिंदान बदल दिया जाता, कोई नहीं ना करने पाए। ऐसे में हाकिम को बताया गया एक शख्स है जिसका नाम सिंधी में शाहब है, ये बड़ा बदौन है, इसे अहले बैत से बड़ा बोझ है। उसने जिंदान में लाया गया, सिंधी इनाम के घर से हारून के दरबार में आया, आके कहने लगा अमीर जैसा तेरे कैदी पर जुल्म मैं कर सकता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। अच्छा ऐसे में आरू चल के आया, आरू देख रहा है। अब जो देखा एक कुएं में इमाम को रखा हुआ है, पीने को गर्म पानी दिया जाता है, खाने को एक मरतबा चौथाई रोटी, एक मरतबा बाहर आके देखा मेरा जुल्म है आरू, इससे ज्यादा जुल्म कर सकता है? एक मरतबा गुलाम को आवाज दी जरा काफी ना मैं तो लेके आऊंगा। अबू सैद हिरवी कहता है इमाम रजा मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, अचानक चीख मार के रोए। मैंने कहा मौला क्या बात हुई, ये चीख मार के क्यों रोए? क्या मुझे अपने बाबा की मजलूमियत याद आ गई? क्या मौला कुछ बयान कीजिए? क्या जालिम रोजाना 100 ताजी आने वाले करना मातम जो पैसा देने के लिए आया? आज जनाब मासूमा भी आए हुए हैं, आज मौला रिजा भी आए हुए हैं। अल्लाह जाने किस मोमेंट के दाएं भाई तो मेरा मौला इमाम जमाना अपने चेहरे का भरोसा लेने के लिए आया है। हाँ ये फिरंद आवाज है मूसा का जाफर पे मुकद्दमे में मैं तुम्हारा हूँ, कल पढ़ चुका मुझे सारी शहादत भी दोहरानी है, कहा लिखी है एक मरतबा फिर कहा हारून मेरा और जुलू देखना चाहता है। एक मरतबा नरसती हुई आवाज से हारून ने कहा और कैसे कर सकता है जाकिर 100 आदमी आने मार चुका है, अगर हर वही फिक्र नहीं पड़ता मैं इशारे में बात कह के गुजर जाऊंगा। एक मरतबा मजलूम के करीब आया, उस जुल्फों में हाथ दिया, हाथ हवा में मौला हुआ, बगदाद की जमीन नरम गई, तमाचे का नगमा था। एक मरतबा जिंदान के करीब ने आवाज दी, हाय सकीना। खुदा की आवाजों पर रहमतें ना हो, सलाखें पढ़ चुका कर सलाखें लगाई गई थी, खजूरें भिजवाई गई जहर आदि, 9 खजूरें तनाहुल फरमाई, जालिम ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, कहा ये 9 खजूरें काफी है, इसमें तेरा काम हो जाएगा। अजादारो ये वो इमाम है, हाँ हुसैन अपने अली के बाद खीमे लूटे गए थे ना, लेकिन जब मूसा जब जाफर की मैद हुई तो जालिम ने ईसा जलूदी को लश्कर के मदीने भेजा, अभी तुम से रहे अली अल्लाह लश्कर आया, सुनो के हुक्म क्या मिला है? मैं पढ़ नहीं सकता किताब की फिक्र है, साहिब दामा तो साकिबा ने लिखा ईसा जलूदी से कहा गया था ईसा जलूदी घर में जो मिले लूट लिया जाए, घर को आग लगा दी जाए, देखो पर्दे का ख्याल न करना, ये याद न रखना ये नबी का घराना है। आप जो आगे तो एक मरतबा ही ये रजा को टाकू की आवाज आई कि मेरे मौला की हयात का आ गया है। एक मरतबा आप जो आए ईसा जलूदी क्या चाहता है? तो मुझे हाकिम का हुक्म है, पोशवारे छीन लिए जा रहे हैं, गले के हार और जेवर उतार लिए जा रहे हैं, हमारे लिबास के अलावा कुछ न छोड़ा जाए। एक मरतबा तरफ के कहा ईसा जलूदी जरा हया कर, ये नबी जरा दिया है फरजंदे रसूल मुझे हाकिम का हुक्म है तो मैं न रुकूंगा। एक मरतबा जब बहुत कुछ कह चुके तो ईसा जलूदी के दाखिल में हाथ रखा, अच्छा इतना सुन ले तू घर में दाखिल ना हो, मैं खुद तुझे जेवरात ला देता हूँ, गोशवारे ला देता हूँ। अल्लामा बेहबानी ने लिखा इमामों ने जेवरात जमा करने शुरू किए, छोटी छोटी शहजादियों के बड़े आराम से
कानों से वो जुबाने उतारे, जुमला सुन लिया तुमने, बड़े आराम से वो जुबाने उतारे। मैं कहूंगा मौला कयामत हो गई, घर लुट गया, मगर वो जुबाने तो खुद उतारे। अरे शिमर घर ने बनाया सकीना ने वो जुबाने लहू का फवार। मैं पढ़ूंगा दो चार जुमले तफसीर। शामे गरीबा गुजर गई औलाद मुसले कादिर पर, शहादत हो चुकी, कहा जनाजा कौन उठाएगा। सब्जी फरोशों से चार मजदूर बुलाए गए, एक लकड़ी के तख्ते पर गरीब का जनाजा उठाया, जनाजा खुदार के पुल पे लाके रखा गया। बस जनाजे का आना था तो जुमले अदा करो, ताबू बरामद होगा। जनाजा का आना था, एक मरतबा ऐलान हुआ, आओ राफजियों का इमार पड़ा। हुक्म दिया गया था जनाजे की तौहीन की जाए। अदादारो, जब कोई जनाजा उसके कफन के बाद ताबूत तैयार होता है ना, तो ज्यादा देर कफन से चेहरे के लिए कपड़ा नहीं हटाया जाता। अदादारो, पूरा दिन 25वीं का गुजर गया, फौजे जाती है, चेहरा हटाती है, कफन तार तार हो गया। आज की रात गुजर रही थी, सुबह का वक्त नजदीक था, सब्जी फरोशों के काफिले उस बाजार में आने शुरू हुए। दोनों तरफ से बैलगाड़ियों पर, ऊंट गाड़ियों पर लोग सवार हैं। पुल के नीचे जानवर आके रुक गए, बहुत चाबुक मारे गए, बहुत ताजियाने लगाए गए, मगर ये जानवर आगे न बढ़े। अब जो उतर के देखा तो जानवरों की आंखों से आंसू जारी, शायद आपको बहुत रोना है। जानवरों की आंखों से आंसू जारी थे, आपको कोई वाकया हुआ है। अब जो जाके देखा तो ताबूत रखा हुआ है, लाशा रखा हुआ है। ऐसे लगा ये कोई जो है जिसे हमारे जानवर पहचान गए, ये जानवर आगे नहीं बढ़ते, किसी ने जाके पहचाना। जी हमारे के सुन लिया ना ये जुमला, मगर मौला शिया पहुंच तो गए 3 दिन बाद। एक गरीब ऐसा है चलती हुई रेत पर, हुसैन का बादशाह है। आखिरी जुमला सुन लो, दादारो का बूटा जाएगा। बगदाद के शहर में खरदार रहा करता था, सुबह का वक्त करीब आया, दरवाजे पे दाखिल हुआ। अब जो दरवाजा खुला तो जो बीबी है सर से पांव तक सिर्फ चादर में मलबूस है। ऐसे में कहा, इससे पहले मैं कुछ बोलता, बीबी ने आवाज दिया, दाद तेरे घर औलाद नहीं थी। कहा बीबी औलाद नहीं थी, तो तूने करबला जाकर एक मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे अगर बेटा देगा तो मैं जहरा के बेटों की खिदमत करूंगा। कहा बीबी, मैंने मन्नत मानी थी।